जितने भी दुर्गुण हैं, दोष हैं, दुर्विचार हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुष्कर्म हैं, और इन्हीं से तो जीवन में दुख, इन्हीं से तो जीवन में दरिद्रता आती है, इन्हीं से तो जीवन नष्ट हो जाता है। जो जीवन देवत्व ऋषित्व से भरा हुआ होना चाहिए, वो जीवन दोषों से भर जाता है, दुर्गुणों से भर जाता है, दुर्विचारों, दुर्भावनाओं, दुष्कर्मों, दुष्प्रवृत्तियों में। ये अमूल्य जीवन, अब एक क्षण भी हम अशुभ में न जिए। मैंने बार बार संकेत किया है, एक क्षण के लिए भी अशुभ का स्वागत नहीं करना। दिव्य जीवन में आरोहण पाने के लिए, जीवन के उत्क्रमण के लिए, उत्थान के लिए, उत्कर्ष के लिए, जीवन में पूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा के लिए, योग धर्म, अध्यात्म धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, भागवत धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, शुभ की प्रतिष्ठा के लिए, जीवन में सारी दैवी शक्तियों के विकास के लिए, ये सबसे बड़ा मंत्र है। हम एक क्षण के लिए भी अशुभ विचार का, अशुभ भाव का, किसी भी अशुभ कर्म का, अशुभ स्वभाव का, किसी भी दोष का, दुर्गुण का, किसी भी दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्कर्म का हम स्वागत ना करें। ऐसा निर्दोष जीवन, ऐसा दिव्य जीवन, ऐसे देवत्व से, ऋषित्व से भरा हुआ जीवन हम सबका बन जाए। और प्रभु से यही प्रार्थना, प्रभु क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो, तन की चादर को, मन की चादर को, लगे हैं इसमें जो भी था। एक क्षण का संकल्प हमारे जीवन को रूपांतरित कर देता है। मैं बार बार कहता हूं, जीवन के अच्छा या बुरा होने में बहुत वक्त नहीं लगता है, समय एक भूमिका है उसकी मैं मानता हूं, लेकिन उससे भी बड़ी भूमिका है शिव संकल्प की, दिव्य संकल्प की। हमसे एक बार भी दोष ना हो, ये जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। एक बार भी हम हिंसा, असत्य, स्त्री, अब्रह्मचर्य, परिग्रह, अशुचिता, असंतोष, अकर्मण्यता, विलासिता, आत्मुक्ता, नास्तिकता, इसमें न जिए। अहिंसा, सत्य, अस्थे, ब्रह्मचर्य, परिग्रह में जिए, शौच, संतोष, तपस्वध्य, ईश्वर निधान में जिए, दैवी संपद में जिए, अभयम सत्व संसुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थित अहिंसा, सत्य, मक्रोध, त्याग, शांति, अपैशनम, दया, भूतेश, अलोलुप, मार्दव, ह्रीर चापलम, तेज, क्षमा, धृति, शौच, मद्रोह, नाति, मानि, भवन्ति संपदम दैवम अभिजातस्य भारत। इसमें जिया। दंभो दर्पो भिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरिं। इस असुरत्व में एक क्षण के लिए बिना जिए, कोई भी दम्भ नहीं, कोई भी दर्प नहीं, कोई भी अभिमान नहीं, एक क्षण के लिए भी क्रोध नहीं, बोध में जिए। पारुष्य, वाणी की कठोरता, ये तो वाणी और व्यवहार के दोष, इससे हम स्वयं भी दुखी होते हैं, अपने स्वजनों को, परिजनों को, और इस समष्टि में भी बहुत
दुख बढ़ा दे। अज्ञान और अज्ञान जनित हैं सारे दोष दुर्गुण, दुर्विचार दुर्भावना दुष्कर्म, इनका एक बार भी दोष ना हो ये बहुत बड़ी बात है, और दोष हुआ गुरु कृपा भगवत कृपा से उसका बोध हुआ और बस फिर उससे पार चले गए, बाहर निकल गए, ये भी सौभाग्य है। लेकिन बार बार दोष होते रहे इससे अपना आत्मबल भी क्षीण होता है और स्वयं के जीवन में और इस समष्टि में हम दुख बढ़ाते हैं।